मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी बाइक का कार्बोरेटर पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो सबसे पहले आप अपनी बाइक का कार्बोरेटर क्लीन करने के लिए उसको ओपन कर ले। उसको ओपन करने के लिए उसमें कुछ जॉइन लगे रहते हैं जो कि कार्बोरेटर से जॉइन रहता है, इंजन का और एयर फिल्टर का, और उसमें कुछ पाइप कनेक्शन भी रहते हैं, एक्सलेटर वायर रहता है। तो इन सारी कनेक्शन को आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप कार्बोरेटर को पहले इंजन से जो कनेक्शन है उसको निकाल लें, उसके बाद अपने फ्यूल पाइप को रिमूव कर दें, फिर एक्सलेटर वायर को रिमूव कर दें। इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी बाइक के जो कार्बोरेटर का जो एयर फिल्टर पाइप है, हॉर्स वैन पाइप बोलते हैं जिसको, उसको आप रिमूव कर दें। उसमें जो क्लेम्प लगा रहता है उसके स्क्रू को आप खोल देंगे तो वो निकल आएगा इस तरह। ओवरफ्लो पाइप को भी निकाल लें। ये कार्बोरेटर निकल आया है। इसके बाद कार्बोरेटर के सारे पार्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको ओपन करेंगे। उसमें ये दो स्क्रू है तो इनको ओपन कर लेंगे। कई कार्बोरेटर में चार रहते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कचरा है, तो यही कचरा कार्बोरेटर में फंस जाता है जिससे कार्बोरेटर से फ्यूल सप्लाई नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। ये आप फ्लोट निकाल दी है, इसमें ये पिन लगी रहती है, इसको भी निकाल दिया। उसके बाद ये है मेन जेट इसका, तो इसको ओपन कर देंगे। ये मेन जेट ओपन कर दिया। इसके बाद इसके नीचे लगा हुआ है पायलट जेट, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पायलट जेट कहलाता है। तो इसको ओपन कर देंगे। ये सारे पार्ट को अलग करके कार्बोरेटर से क्लीन करेंगे। ये है इसका आइडियल स्क्रू, इसको मैं भी रिमूव कर देंगे। इसके अंदर एक कचरा रहता है ब्लैक कलर का, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये नीचे, ये सारा कुछ इसको क्लीन करना पड़ेगा। अंदर से भी क्लीन कर देंगे, बाहर से भी क्लीन कर देंगे। कार्बोरेटर को एकदम अच्छी कंडीशन में कर देंगे जिससे कार्बोरेटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाइक में। ये है इसका चोक, तो इस चोक को निकाल लेंगे। कई बाइक रहती हैं जिसमें ऑटो चोक रहता है, तो उसमें एक अलग सिस्टम रहता है, वायर कनेक्शन रहता है, उसको आप रिमूव कर दें। उसके बाद ये जो रबड़ लगी रहती है गैसकेट इसकी पैकिंग के लिए, तो इसको रिमूव कर देंगे जिससे ये पेट्रोल से ख़राब ना हो जाए। इसको निकाल के अलग रख देंगे। और बाकी का जो पार्ट है उन सारे पार्ट को पेट्रोल से क्लीन करेंगे। आप सफिशेंट पेट्रोल यूज़ करें जिससे कार्बोरेटर अच्छी तरह से क्लीन हो सके। और इसी तरह की और भी मैकेनिकल वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे पार्ट को क्लीन करने के बाद उनको अलग रखते जा रहे हैं जिससे कोई भी पार्ट में वापस कचरा ना लग सके, और सारे पार्ट को अच्छे से क्लीन कर देंगे। इसमें जो रबड़ गैसकेट की जो सेप बना हुआ रहता है उसको भी क्लीन कर देंगे, नहीं तो उसमें कोई कचरा हो सकता है। अंदर वाले पार्ट को अच्छे से क्लीन कर देंगे। अंदर का पार्ट जो रहता है वो मेन रहता है, उसमें कोई भी कचरा नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने नीचे वाले पार्ट को क्लीन कर दिया, उसके बाद ये जो ऊपर वाला मेन पार्ट है जिसमें सारे स्क्रू एक्सलेटर वायर और सारे कनेक्शन रहते हैं, इस पार्ट में बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, तो इसको क्लीन कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने अभी थोड़ा पेट्रोल लगा दिया है जिससे कचरा है जो, या फिर जो भी धूल मिट्टी इसमें लगी हुई है ये सारी निकल सके। ये है इसका मेन जेट बोलते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं इसमें एक होल रहता है जिससे आर पार दिखना चाहिए एकदम। इसके बाद ये रहेगी इसकी जो स्क्रू रहेंगे इनको भी क्लीन करके रखते जाएंगे। ये है इसका पायलट जेट, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। इसमें माइक्रो होल्स रहते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो बाइक में ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आने लगती है। ये है चोक की पत्ती रहती है जो, वो है, इसको भी क्लीन कर देंगे। इस तरह से क्लीन करते जाएंगे। क्लीन करने के लिए आप छोटे से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं जिससे ये हर जगह पर जाकर एक अच्छे से क्लीनिंग कर सके। इस तरीके से सारे पार्ट को क्लीन करते जाएंगे। सारे पार्ट्स को आप एक जगह पर रखते जाएं, नहीं तो कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। कई कई पार्ट कार्बोरेटर के मिलते नहीं हैं। ये इसकी पिन है जिसमें स्प्रिंग भी लगी रहती है, तो आप इसको दबाकर चेक कर लें कि जो स्प्रिंग है वो अच्छे से दब रही है या नहीं। नहीं तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को मार्केट से लाकर चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं।
अगर आपकी जेट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जेट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये है इसका फ्लोट, ये वाइट कलर का, इसको फ्लोट बोलते हैं। ये पेट्रोल जब भर जाता है कार्बोरेटर में तो अपने आप ऊपर आ जाता है। ये है इसका मेन पार्ट जिसमें सारे पार्ट ज्वाइन रहते हैं। साथ ही में ये इसका फ्री फ्लो स्क्रू है जिस पर एक्सलेटर वर्क नहीं करता है। आप इसको टाइट कर देंगे या लूज़ कर देंगे तो जो पेट्रोल की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट होने लगेगी, एक्सलेटर के थ्रू वर्क नहीं करेगा। तो ये जो फ्री फ्लो स्क्रू कहलाता है इसको भी ओपन कर दिया है। इसमें एक रबड़ लगी हुई रहती है और एक स्प्रिंग भी रहती है, तो उन पार्ट्स को आप देख लें ज़रा। इसमें से अगर कोई भी पार्ट डैमेज रहता है तो उससे आपकी बाइक की एक्सलेटर है जो रेस है बाइक की, जो बढ़ सकती है घट सकती है, तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सारे पार्ट क्लीन कर दिए हैं और देख लेते हैं इसमें कोई पार्ट तो नहीं रह गया। ये जो फ्री फ्लो का स्क्रू था ये रह गया है, तो सारे पार्ट आप रखते जाएं। स्प्रिंग वगैरह आप देख लें, ये सारा कचरा है जो इसके अंदर से और बाहर से निकला हुआ है। और कार्बोरेटर के जो सारे पार्ट एकदम क्लीन हो गए हैं। अब कार्बोरेटर को वापस असेंबल करेंगे तो सबसे पहले इसका चोक लगा देते हैं। चोक लगा के आप देख लें ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये मूव हो रहा है कि नहीं। मूव होने के बाद इसमें आप सारे जो पार्ट लगे रहते हैं चोक के वो लगा दें। इसको टाइट कर देंगे, उसके बाद चोक के पीछे की ये पत्ती लगा देंगे। इसकी ये दोनों स्क्रू हैं इनको भी टाइट कर देंगे, लगा देंगे इसकी पोजीशन पर। लगाने के बाद चोक को एक बार चेक कर लेंगे मूव हो रहा है कि नहीं, मूव हो रहा है। इसके बाद दूसरे पार्ट्स लगाएंगे। तो ये रहेगा इसका पायलट जेट, इसको लगा देंगे। ये रहेगा इसका मेन जेट, इसको भी अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। कई बार जेट में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मार्केट से जेट लाकर रिप्लेस कर सकते हैं। ये रहेगा कार्बोरेटर का फ्लोट, तो इसको रिप्लेस करना हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। और इसको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे, इसमें पिन लगा दी है और इसको लगा दिया अपनी पोजीशन पे। उसके बाद ये पैकिंग रहती है, गास्केट रहती है, नहीं तो आप चाहें तो इस गास्केट को लाकर मार्केट से रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में सॉल्यूशन भी आता है, तो उस सॉल्यूशन से कार्बोरेटर की लीकिंग को फिक्स कर सकते हैं। सारे पार्ट्स को अपनी पोजीशन पर लगाने के बाद ये नीचे वाला पार्ट बंद कर देंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये रहेगा इसका फ्री फ्लो वाला स्क्रू जिस पे कार्बोरेटर का एक्सलेटर वर्क नहीं करता है। ये रहेगा इसका आइडियल स्क्रू, इसको टाइट कर देंगे। इसको एडजस्ट करेंगे कार्बोरेटर का जो वायर रहता है एक्सलेटर वायर, उसको लगाने के बाद अभी मैंने इसको जस्ट टाइट किया हुआ है। तो ये कार्बोरेटर एकदम तैयार हो गया है, क्लीन हो गया है और सारे पार्ट अपनी जगह पर लग चुके हैं। अब कार्बोरेटर को अपनी जगह पर लगाने का टाइम है। तो कार्बोरेटर का एक्सलेटर वायर मैंने अभी फिक्स कर दिया है। उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे इसके एयर फिल्टर पाइप में। उसके बाद इसको इंजन वाले पार्ट्स में फिक्स कर देंगे, नट को कस देंगे वापस अपनी पोजीशन पे। तो इस बाइक में यूज़ हो रहा है 8 नंबर पाना इंजन को कार्बोरेटर से फिक्स करने में, ये वाला। तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बाइक के अकॉर्डिंग आप टूल्स को चेंज कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है ये सारा वर्क करते समय तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी मैकेनिकल वीडियो का सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने इसमें फ्यूल सप्लाई ऑन कर दी है और इसका ओवरफ्लो का पाइप कनेक्शन भी कर दिया है, अब है एयर फिल्टर का जो पाइप है उसको टाइट कर देंगे। तो इसका ये क्लैंप भी टाइट कर दिया है। अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बाइक स्टार्ट करूँगा विदाउट एक्सलेटर को खींचे हुए, सिर्फ किक से ही स्टार्ट कर दूंगा, सिंगल किक से बाइक को स्टार्ट कर दूंगा। कार्बोरेटर को एकदम फिक्स किया हुआ है अपनी जगह पर एकदम अच्छे से। सिंगल किक से विदाउट एक्सीलेटर की बाइक एक बार में स्टार्ट हो गई। आप भी कर सकते हैं अपनी बाइक को,
अच्छे से मेंटेन कार्बोरेटर का क्लीन इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में और भी इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।